हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसका हर IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराने वाले कपल को इंतजार रहता है, रिजल्ट के डेट का, जिस दिन हम BHCG का टेस्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट रहा। ये वो टेस्ट है जिसका ना केवल कपल्स को बल्कि डॉक्टर को भी उतनी एंग्जाइटी, उतना एक्साइटमेंट रहता है कि क्या इसका रिपोर्ट आने वाला है। तो BHCG कब कराना चाहिए, क्या है ये टेस्ट, इसकी वैल्यूज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके बाद अगर ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है तो हमें क्या करना चाहिए, कब सोनोग्राफी करानी चाहिए, ये वो छोटी बातें हैं जिसको लेकर के अक्सर एंग्जाइटी कपल्स के दिमाग में रहती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस एंग्जाइटी को कम करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले बात करते हैं BHCG टेस्ट आखिर है क्या। BHCG यानी कि बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये एक हार्मोनल टेस्ट है जो कि ब्लड में किया जाता है जानने के लिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं। यूरिन में भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लड में BHCG टेस्ट करने से जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल हम लोग ये पता करा सकते हैं कि हमने जो IVF कराया वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। तो BHCG कराने का आखिर दिन कौन सा होता है। जिस दिन एग रिट्रीवल यानी कि एग पिकअप किया जाता है, अंडे को बाहर निकाला जाता है, उसे हम बोलते हैं Day 0। और जिस दिन भ्रूण ट्रांसफर किया जाता है वो हो सकता है Day 3 अगर सेल स्टेज पे किया गया है, या Day 5 या Day 6 जिसे अब हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, उस स्टेज पे किया गया है। तो अगर हम पिकअप डे को 0 डे मानते हैं तो BHCG का जो दिन होता है वो Day 12 या Day 12 से Day 14 के बीच में कभी भी किया जा सकता है। BHCG की वैल्यू अगर 10 या उससे ऊपर है तो इसे हम मानते हैं पॉजिटिव कि ये पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई है। लेकिन ये प्रेगनेंसी अच्छी जाएगी या नहीं उसका डिपेंड करता है कि BHCG की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और वो 48 घंटे में डबल हो रही है या नहीं। 10 के ऊपर को हमने पॉजिटिव तो माना, लेकिन इस प्रेगनेंसी का फेट हेल्दी अनहेल्दी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर Day 10 पे BHCG की वैल्यू 100 है, जो कि हमारे लैब के स्टैंडर्ड्स हैं, Day 10 से 12 के बीच में अगर BHCG की वैल्यू 100 है और वो 48 100 या इसके ऊपर और वो 48 घंटे में डबल हो रही है यानी कि दोगुना हो रही है। इसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो सपोज आपने Day 12 पे BHCG कराया और उसकी वैल्यू थी 140, तो इसे हम पॉजिटिव और अच्छा वैल्यू मानेंगे। और 48 घंटे के बाद जब हम इसे रिपीट करा रहे हैं और वो वैल्यू 280 या इसके ऊपर आ रही है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी जाएगी और आगे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर वैल्यू 100 से नीचे होती है तो हमें BHCG हो सकते हैं 1, 2 या 3 बार रिपीट कराने पड़ सकते हैं ये जानने के लिए कि ये प्रेगनेंसी का फेट क्या हो रहा है। अगर वैल्यूज कम है लेकिन वो हर 48 घंटे में डबल होती चली जा रही है तो एक उम्मीद अच्छी है कि प्रेगनेंसी आगे हेल्दी जा सकती है। लेकिन अगर वो वैल्यू बढ़ रही है लेकिन डबल से कम है तो ऐसे में परेशानी हो सकती है कि शायद ये प्रेगनेंसी जो है बच्चेदानी के अंदर में डेवलप ना हो करके ट्यूब्स के अंदर में डेवलप हो रही है, जिसे हम बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ध्यान से सुनिए, अगर हमारा BHCG का वैल्यू कम है लेकिन हर 48 घंटे में वो बढ़ तो रहा है पर दोगुना से ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो हमें इस वैल्यू को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ता है। हो सकता है 3 या 4 बार आपका BHCG कराया जाए, जल्दी सोनोग्राफी कराई जाए ये जानने के लिए कि कहीं हम लोग एक्टॉपिक प्रेगनेंसी से पीड़ित तो नहीं है, प्रेगनेंसी अपनी जगह में डेवलप ना हो करके ट्यूब्स या कहीं और डेवलप तो नहीं हो रही है। क्योंकि हम अगर इस डाउट को दिमाग में रखते हुए क्लोजली वॉच करेंगे तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और जल्दी पकड़ने पे उसे हम दवाइयों के जरिए मैनेज भी कर सकते हैं। अगर हम लेट पकड़ते हैं तो हो सकता है तब तक बहुत देर हो जाए और फिर सर्जरी की नौबत आ जाए। तो हमने अभी तक समझा कि BHCG कब कराना चाहिए और उसकी वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करें। इसके बाद जो अक्सर एक सवाल सामने आता है कि हमने अब BHCG कराया है तो सोनोग्राफी कब कराएं। काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर साहब इमीडिएटली सोनोग्राफी करके हमें दिखा दीजिए कि प्रेगनेंसी कैसी चल रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड में BHCG की वैल्यू एक पर्टिकुलर
लेवल से जब ऊपर जाती है तो ही हमें सोनोग्राफी में कुछ दिखाई देता है। उससे पहले प्रेगनेंसी इतनी स्मॉल, इतनी माइक्रोस्कोपिक होती है कि उसे अल्ट्रासाउंड में पकड़ना मुश्किल रहता है। फिर भी अगर हम लोग अर्लीस्ट बात करें तो अगर हमने बीटा एचसीजी 12th to 14th डे पे कराया है तो तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद में अगर हम लोग सोनोग्राफी करते हैं, जो कि इंटरनल सोनोग्राफी होगी, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी होगी, हमें पता कर सकते हैं कि सैक सैक मतलब वो थैली जहाँ पे गर्भ पनपता है, वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक या दो प्रेगनेंसीज हैं और प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर में है या ट्यूब में है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में 2 हफ्ते के बीटा एचसीजी के 2 हफ्ते के बाद ये टेस्ट किया जाता है कि प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है, एक है या दो प्रेगनेंसीज हैं, हार्ट बीट आया है या नहीं। अक्सर आईवीएफ में 2 या 3 एम्ब्रायोस ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर ब्लास्टोसिस स्टेज में है तो 1 या 2, या सेल स्टेज में 2 या 3 एम्ब्रायो ट्रांसफर किए जाते हैं, तो आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का पता भी हम लोग सोनोग्राफी के जरिए कर सकते हैं। बेस्ट रहता है अगर वैल्यूज अच्छी हैं, 48 आवर्स में डबल हो रही हैं, तो जब हमने ब्लड टेस्ट कराया है उसके तकरीबन 2 हफ्ते के बाद सोनोग्राफी का सजेशन आपके डॉक्टर दे सकते हैं। उससे पहले सोनोग्राफी, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डाउट है, ब्लीडिंग हो रही है या पेन ज़्यादा है, तो ही पहले कराने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल हैं या अगर आपको लगता है कि हम कुछ चीज़ों को टच करना छूट गया है, तो आप अपने कमेंट्स में हमें उनके बारे में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम उनका जवाब देने की। थैंक यू।